यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था ये ना, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला मैंने बता दिया था, ये दूसरा है। दूसरे वाले में लिखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग छोटे छोटे उद्योग घरों में खोल लेते हैं और सामान पै बनाना, पैक करना और बाहर भेजना, ये सब होता है कुटीर उद्योग। ठीक है, तो खिलौनों का उद्योग है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य में देखो रुपए में, प्रत्येक खिलौने का मूल्य में 55 में से 1 दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, इसीलिए 55 में से 1 दिन का ये घटाया है। देखो माना, मान लीजिए किसी ने निर्मित खिलौने की संख्या एक्स थी, इसीलिए 55 में से 1 घटाया है। ये मैंने पहले से ही लिख दिया है। अच्छा, अब तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसी एक दिन कुछ निर्माण लागत जो है वो कितनी थी, 750, और उसी दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करनी है उसी दिन निर्माण खिलौनों की संख्या, वो हमने एक्स मान ली, और प्रश्न के अनुसार क्या हुआ कि जो 55 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 55 में से 1 घटाना है, इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा है ना यहाँ से, देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से 1 दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ये लिखा है ना घटाने, तो इसीलिए उसमें से एक दिन के खिलौनों की संख्या को घटाएंगे। ठीक है, और इसी में आगे क्या है प्रश्न अनुसार, तब क्या होगा, तब अब देखिए ये एक दिन के खिलौने और ये उसको घटाने पर जो मूल्य आया है, वो दोनों का गुणनफल कितना होगा, इन दोनों का गुणनफल अगर करेंगे तो वो आएगा 750, क्योंकि लिखा है किसी एक दिन कुछ निर्माण लागत जो है वो कितनी है, 750। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ये लिखा है, देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से 1 दिन में निर्माण किए हुए घटाएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये आपकी इक्वेशन बनेगी, इसको आप हल कर लीजिए। एक्स का गुणा 55 में करेंगे तो 55x, और एक्स का एक्स में करेंगे तो -x/2 बराबर 750। इसको एक काम करो, इधर लिख लो, प्लस 55 को इधर लिख लेंगे और 750 इधर लाएंगे तो -750 बराबर 0। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये माइनस हटाना पड़ेगा यहाँ, तो माइनस का इंटू कर दो, तो ये प्लस के हो जाएंगे x2 माइनस के 55x, और ये प्लस के हो जाएंगे 750 बराबर 0। अच्छा, अब इसको 750 फैक्टराइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, 750 तो देखो क्या होगा यहाँ पे, 2 से 5 2 से कट जाएगा, 2 3 6 एक बचा, 2 7 14 फिर एक बचा, 2 5 10 फिर 5 से कटेगा, 5 7 35 36 37 2 5 25 5 से काट दो, 5 1 5 6 7 2 5 25 5 3 15 3 1 3। अब आपको ऐसे गुणा करना है कि गुणा करके तो ये आ जाए 750, और वैसे 55 आ जाए घटा जोड़ के, तो कैसे आ सकता है देखें, 5 25 2 50 और 5 3 15 नहीं 25, 5 25 3 75 नहीं, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 25। ठीक है, चलो अभी देखते हैं हम, देखिए देख लिया हमने कितना आएगा, हमने इन तीनों को देखा जो गोले में, देखो 3 5 15 15 2 9 30 ये 30 आ गया और 5 25, तो ये 750 के फैक्टर ऐसे हो गए, गुणा करके 750 आएगा, वैसे 55 भी आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों को यहाँ लिख देंगे हम, तो देखो x² - 30 और 25 30x - 25x + 750 = 0। यहाँ से अब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ पे -30, माइनस यहाँ 25 कॉमन ले लो तो यहाँ पे x, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 25 का 30 बार गुणा करेंगे तब 750 आएगा। अब ये दोनों कॉमन है, x - 30 और बचा क्या, x - 25 बराबर 0, तो x - 30 = 0 लेंगे और x - 25 = 0, 30 को उधर ले जाएंगे x = +30 हो जाएंगे, और 25 को उधर ले जाएंगे तो x = +25 हो जाएंगे। ठीक है, पूछा क्या था,
उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 होगी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 या 30 होगी, तो ये इस तरह से लिख देना। हाँ, कंप्लीट।